फिल्म रिलीज से पहले आमिर खान के साथ हो गया बड़ा खेला। फिल्म की असली कहानी सोशल मीडिया पर हुई वायरल। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का जिस तरह से सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड कर रहा है, उसको लेकर के अब आमिर खान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच आमिर खान के साथ एक बड़ा खेला हो गया है और इस खेला में आमिर खान पूरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल इस फिल्म की कहानी जिस रियल किरदार पर है, अब उसकी पूरी हिस्ट्री हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लाल सिंह चड्ढा वास्तव में वो शख्सियत कौन थी और आमिर खान की फिल्म से पहले उस शख्सियत पर कौन सी फिल्म हॉलीवुड में रिलीज हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा की। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा ऐसे महान शख्सियत थे जो राष्ट्रपति से परमवीर चक्र से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, इस वजह से हर कोई उनका मजाक बनाया करता था। किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उनका स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल में बच्चे उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी माँ लाल सिंह चड्ढा का हौसला बढ़ाए रखती थी। उसे कहा करती थी कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम वो सब कर सकते हो जो बाकी सब कर सकते हैं। बता दें कि एक बार की बात है, उनके स्कूल में एक एथलेटिक्स रेस होती है। लाल सिंह को इस रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, लेकिन उनका दोस्त गुरुप्रीत इस रेस में शामिल होता है और इस बात से लाल सिंह चड्ढा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रेस शुरू होती है, रेस के दौरान गुरुप्रीत को चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। ये देखकर लाल सिंह गुरुप्रीत के पास दौड़ा चला जाता है और अपने दोस्त गुरुप्रीत को अपने कंधे पर उठाकर रेस जिता देता है। ये देखकर न केवल जजेस बल्कि स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं। उनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अगले स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। स्कूल पूरा कर लेने के बाद अब लाल सिंह कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। मानसिक रूप से बीमार होने से कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता है, केवल उनके दो ही दोस्त होते हैं। जब कॉलेज का आखिरी दिन होता है तो एथलेटिक्स प्लेयर्स को आर्मी में जाने का मौका मिलता है और लाल सिंह आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। लाल सिंह का दोस्त गुरप्रीत अपने पिताजी की तरह ही मिठाई का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पिताजी के दबाव में आकर वो भी आर्मी में भर्ती हो जाता है। इधर लाल सिंह की दूसरी दोस्त सिमरन भी सिंगर बनने के लिए मुंबई चली जाती है। लाल सिंह सिमरन को मन ही मन चाहता था। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है। इस जंग में लाल सिंह और उनके दोस्त गुरप्रीत को भी भेजा जाता है। गुरप्रीत लाल सिंह से कहता है कि मैं इस जंग में मरना नहीं चाहता, बल्कि अपने पिता की तरह मिठाई का बिजनेस करना चाहता हूँ और अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। जंग के दौरान एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में लाल सिंह बच जाते हैं। वो जंग बीच में ही छोड़कर घायल सैनिकों को बचाने में लग जाते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन उसे जब पता चलता है कि उसका दोस्त गुरप्रीत इस जंग में मारा गया, तो उसे बहुत दुख होता है। इस जंग में अपनी बहादुरी के लिए लाल सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा कई एथलेटिक्स रेस जीतने से उन्हें अवार्ड भी मिलते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद लाल सिंह अपने गांव आ जाते हैं और अपने जिगरी दोस्त गुरप्रीत का सपना पूरा करते हैं। वो गुरप्रीत के नाम से गांव में एक मिठाई की दुकान खोलते हैं। कुछ समय बाद पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन दंगों में लाल सिंह की दुकान को कोई हानि नहीं पहुँचती है। धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे और लाल सिंह की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। तभी अचानक उनकी माँ बीमार हो जाती है। ऐसे में वो अपनी दुकान गुरप्रीत के पिता को संभालने के लिए देते हैं। कैंसर की वजह से लाल सिंह की माँ की मृत्यु हो जाती है। इधर सिमरन, जिसे लाल सिंह प्यार करता है, सिंगर बनने के चक्कर में गलत लोगों पर भरोसा कर बैठती है। अब वो चाहकर भी अपने गाँव वापस नहीं आ पाती। सिमरन खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन बच जाती है और इस प्रयास में उसे कुछ चोट लग जाती है। जब लाल सिंह को ये खबर मिलती है तो वो सिमरन को अपने घर ले आता है। लाल सिंह सिमरन को बहुत चाहता है और एक दिन उसे अपने दिल की बात बता ही देता है। सिमरन भी उसे प्यार तो करती ही है, लेकिन बताती नहीं है। और फिर एक दिन वो लाल सिंह को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है।
अब लाल सिंह अकेले पड़ जाते हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर दौड़कर दुनिया का चक्कर लगाने लगते हैं। फिर से लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी दौड़ में उनके साथ हो जाते हैं। धीरे धीरे लाल सिंह फेमस हो जाते हैं और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। उन दिनों टीवी और न्यूज़पेपर में उन्हीं के चर्चे होते हैं। सिमरन को जब इस बात का पता चलता है तो वो लाल सिंह को एक पत्र लिखती है और उन्हें बधाई देती है। लाल सिंह सिमरन का पता लगाकर उससे मिलने जाता है और सिमरन से मिलकर लाल सिंह को पता लगता है कि सिमरन का एक बेटा भी है। सिमरन उसे बताती है कि ये बेटा किसी और का नहीं बल्कि उसी का ही है। ये सब जानकर लाल सिंह बहुत भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं मेरा बेटा भी मेरी तरह मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। लेकिन सिमरन लाल सिंह को बताती है कि उनका बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। सिमरन उसे एक बात और बताती है कि वो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ दिनों बाद सिमरन की डेथ हो जाती है और लाल सिंह अपने बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब लाल सिंह के पास उसका बच्चा ही जीने की एकमात्र उम्मीद बचता है। अपने बच्चे के साथ लाल सिंह अपनी बाकी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी लाल सिंह चड्ढा की रियल स्टोरी और ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। और इसी रियल स्टोरी पर आधारित हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा आमिर खान लेकर आ रहे हैं। हालांकि आमिर खान से पहले 1994 में लाल सिंह चड्ढा पर ही फॉरेस्ट गंप नाम की एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका रीमेक आमिर खान बना रहे हैं। हालांकि आमिर खान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिसे हिंदुस्तान नहीं पसंद, जिसे हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, आखिर हिंदुस्तान की जनता ऐसे व्यक्ति की फिल्म देखने सिनेमा घरों में क्यों जाए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आमिर खान की पत्नी ने भी इस बात को कहा था कि उन्हें हिंदुस्तान में रहने पर डर लगता है और वो अपने बच्चों के साथ किसी विदेश में जाना चाहती हैं। ऐसे में जाहिर है कि हिंदुस्तानियों का गुस्सा लाल सिंह चड्ढा पर उतरने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं या फिर रियल कहानी के जानने के बाद आप अपने पैसे बचाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।